तमाम मेरे गांधी फ्रेंड्स को वागी सोमचंगाद में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गांधी फ्रेंड्स, सितंबर के इस महीने में मेरा मुख्तलिफ नर्सरीज का विजिट हो रहा है, जिसमें अपने गांधी फ्रेंड्स के लिए हर तरह से नए प्लांट्स की प्राइस की इन्फॉर्मेशन है शेयर आउट कर रहा हूं। खास तौर पे जो लाहौर पंजाब से जिनका ताल्लुक है, अगर उनका नर्सरीज में विजिट होता है तो नर्सरीज में जाने से पहले उन्हें जरा मालूम हो कि वहां कौन कौन से जो प्लांट्स हैं अवेलेबल हैं जो वो परचेज आउट करना चाहते हैं। तो उस हवाले से मेरी वीडियोस भी आ रही हैं, कुछ में तो जो प्लांट्स की प्राइस है वो भी मैं शेयर आउट करता हूं, लेकिन बाज़ दफा अगर कोई प्लांट्स की प्राइस है वो शेयर आउट नहीं होती, लेकिन इतना मैं ओवरव्यू दे देता हूं ताकि इन नर्सरीज में कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और साथ साथ अगर कुछ जो प्लांट्स हैं अगर मुझे नॉर्मल प्राइस में मिलते हैं तो कुछ मैं नए जो प्लांट्स हैं वो भी परचेज आउट करता हूं, क्योंकि यहाँ जरा नर्सरीज में जब आप विजिट करते हैं तो यहाँ हमारे लाहौर में जो प्राइस है प्लांट्स की बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी उनसे बार्गेन करें तो थोड़ी सी गुंजाइश कर लेते हैं। और इतने यहाँ जितने भी इस कॉलोनी में रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप ये प्लांट्स देखे हैं, कुछ तो मैंने नर्सरीज से परचेज आउट किए हैं जिसमें प्लांट्स भी हैं पॉट्स भी हैं या साइड पर कॉर्नर में आप देख रहे हैं, और कुछ जो प्लांट्स हैं मैंने कटिंग्स के जरिए ग्रो करवाए हैं। तो जो नए प्लांट्स हैं जो परचेज किए हैं उन्हीं प्लांट्स में आज जो मेरी वीडियो है ये सिंगोनियम, जैसे मेरे गाड़ी फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ये सिंगोनियम बाखूबी तकरीबन हर जो गार्डनिंग फ्रेंड्स के पास ये प्लांट्स होते हैं। तो एक ये प्लांट है मैंने ये परचेज आउट किया है, ये इसमें वेरीगेटेड ड्रॉप वराइटी है, इसमें ये पिंकिश कलर के ये लाइंस नजर आ रही हैं जैसे कि है। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास सिंगोनियम है, वो ड्रॉप वराइटी में तो नहीं है, जैसे वो सामने आप देख रहे हैं ये सिंगोनियम है, इसमें वाइट वेरीगेटेड लीव्स से इसके लाइन्स जैसे कि आपको नजर आ रही है, ना कि स्पॉट में भी है बल्कि इस स्पॉट में भी है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा सिंगोनियम की जो दूसरी जो वैरायटी है थोड़ी सी वो भी थोड़ी सी परचेज आउट किए जाए। वैसे तो वहाँ इससे बिल्कुल पिंकिश कलर के भी लीव्स थे, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी टू मच हाई थी। अब आपको ज़रा इसकी जब प्राइस को भी शेयर आउट करते हैं, जैसा कि मैंने गार्डनिंग फ्रेंड्स ने वीडियो के शुरू में सिंगोनियम के वेरीगेटेड जो लीव्स हैं इसमें ओवरऑल जो पिंक कलर के भी लीव्स थे, कुछ में जैसे ये लाइंस थी ये भी वैरायटी की वहाँ थे लाइंस, ये पिंकिश लाइंस थी, वाइट में भी थे वेरीगेटेड लीव्स थे, लेकिन वो जो वहाँ जितने भी प्लांट्स थे वो तमाम के तमाम ड्रॉप वैरायटी में थी। और इस प्लांट की मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये पॉट्स में जैसे ये देख रहे हैं ये कुछ 5 इंच बाई 5 इंच का ये पॉट है, पॉट में ये लगा हुआ था और विद इन ए पॉट है। इसकी जो प्राइस है जैसे आप मेरे गार्डन फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं हेल्थी बुशी ये सिंगोनियम का ये पिंकिश है, एरो हेड है, वेरीगेटेड लाइन्स इसकी हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं मुझे उन्होंने 250 का कह रहे थे, मुझे 200 दिया है पॉट्स में। और जो ओवरऑल पिंक कलर के थे वो 350 का वो दे रहे थे, लेकिन वो 350 से वो गुंजाइश है वो कम नहीं कर रहे थे, वो भी इसी तरह के पॉट में लगा हुआ था। तो ये प्लांट्स मैंने परचेज किया है और साथ में मेरे गार्डन फ्रेंड्स मुझे ये जैसे आप ये देख रहे हैं ये पानी में लगा हुआ है, बहुत इजी टू ग्रो करवा सकते हैं, चाहे सॉइल में करवाएं चाहे वाटर में करवाएं। ये तो दूसरा जो प्लांट है मेरे गार्डन फ्रेंड्स जैसे ये पानी में आप देख रहे हैं इसकी वेंस निकली हुई है, ये मुझे फ्री में साथ मिला है। ये फ्री में इसलिए मुझे मिल गया कि मैंने कहा थोड़ी सी गुंजाइश तो करें, लेकिन
उन्होंने जितनी गुंजाइश की थी साथ मुझे एक थोड़ा सा ये भी वेरी ये आपका वेरी गेटेड लीव नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये लीव्स हैं, लेकिन ये भी ड्रॉप वाइटी में है, इसमें किसी किस्म की कोई वाइटिश लाइन नहीं है। जिस तरह मैं इसमें यहाँ पिंकिश लाइन है यहाँ सामने, वो वेरीगेटेड वो जो आपको वाइट लाइन्स नजर आ रही हैं, तो साथ में ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये ड्रॉप वाइटी में ये मुझे दूसरा ये सिंगोनियम है एरो हेड प्लांट ये फ्री में मिला है। तो मेरे पास इस वक्त मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये तीन वराइटीज हैं, एक सिंपल फॉर्म में है ये अब पिंक में होगी जैसे ये, और सामने है वाइट में। तो बहुत इजी टू ग्रो है, बस जस्ट आपने ये कटिंग लगानी है, चाहे आप सॉइल में ग्रो करवाएं, चाहे जैसे अभी ये वाटर में लगा हुआ है वाटर में ग्रो करवाए हैं, और जब एक दफ़ा आप बस प्लांट आप ले लें उसके बाद बेतहाशा इसके मल्टीपल प्लांट्स हैं, बेबी प्लांट्स बनते जाते हैं, बहुत हार्डी प्लांट है और हेल्थी बुशी प्लांट है, जितने चाहे आगे बेबी प्लांट्स आप इसके आगे बनते जाएंगे बनाते जाएं आगे। लेकिन सर्दियों में आके जरा थोड़ी सी इसकी ज़रा ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, लेकिन ये एक तरह का प्रीनियल प्लांट है, फॉर एवर रहने वाला है, और बाहर में आके इसमें हेल्थी बुशी होता है। बाद में बाज दफ़ा तो मुझे इतनी जो कटिंग्स है करनी पड़ती हैं, बाद तो कटिंग करके खुद मैं लोगों को इसकी जो कटिंग्स हैं जैसे इन्होंने ये कटिंग के जरिए ही है पॉट्स में लगाया हुआ है, तो आगे मैं यही कटिंग्स हैं ये लोगों को भी मैं शेयर आउट करता हूँ यहाँ, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा जहाँ जो प्लांट्स का है ख़ासतौर पर जिन्होंने अगर इनडोर या कुछ सेमी पॉटेड शेड में रखने हों तो वो भी ग्रो करवा सकें। और जितने भी मेरे गार्डन फ्रेंड्स यहाँ आप प्लांट्स देख रहे हैं तमाम के तमाम है ये मेरे सहन के अंदर हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं ऊपर ये दरख्त है अमरूद के हैं, अदर मनी प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ, ये चाइना पाम है या कोलियस है, कोलियस से अगर नीचे मूव करूँ तो ये सारे के सारे कॉर्नर में सारा ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स यहाँ हैं। और यहाँ जो सनलाइट का ड्यूरेशन नॉर्मली 2 से 3 घंटे के लिए होता है, और तमाम ही प्लांट्स की बहुत ही अच्छी और हेल्थी ये ग्रोथ जाती है, और ख़ासतौर पर जितनी भी मैं कटिंग्स लगाता हूँ नॉर्मली यहाँ पहले ही मैं यहाँ रखता हूँ जितना उन्हें तकरीबन है, क्योंकि कटिंग्स को भी या प्लांट की रीपॉटिंग को भी जब आप करें तो तकरीबन उन्हें स्टेबल होने के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं ताकि वो अच्छी तरह उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और उम्मीद करेंगे कि मेरे जो नए प्लांट की है ये परचेस है मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वागी सोमकिशन गार्डन।